एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ग्वालियर ब्लॉगर पूर्वी शिंदे में आपका सबका स्वागत है। तो कैसे हैं सभी फ्रेंड मेरे, आशा करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो गाइज, आज है संडे और संडे सबको हैप्पी संडे। तो बच्चे भी सो रहे हैं और मेरे सारे ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं। आटे वगैरह मार के रख दिया, गूंथ के रख दिया है और झाड़ू पोछा हो गया है। अभी ममता नहीं आई है और बच्चे अभी सो रहे हैं, तो उनका भी दूध वगैरह बना के रख दिया है, जब उठेंगे तो उनको मैं दे दूँगी। तो ब्रेकफास्ट में आज कुछ नहीं बनाना था क्योंकि सीधा खाना ही खाएंगे। तो क्योंकि मुझे आज एक इवेंट में जाना है और इवेंट हो रहा है, 3 बजे से इवेंट है, तो मैं उसमें आज बंगाली गेटअप में जाऊँगी। तो उसमें मुझे पूरा बंगाली गेटअप में तैयार वगैरह होना है, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ। सिंदूर खेलों के नाम से इवेंट हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो उसकी भी तैयारी करनी है। आधी तैयारी तो मैंने कल करके रख ली थी और बाकी की जो तैयारी है मैं अभी करूँगी। जैसे कि थाली वगैरह लेके जाना है, दिया लेके जाना है, सिंदूर लेके जाना है, कपूर लेके जाना है और फूल लेके जाना है, तो ये सारी चीज़ें लेके जाना है मुझे। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, शावर लूँगी। और सुंदर साहब मॉर्निंग में चले गए, उनको आज काम था तो वो आज चले गए हैं सुबह ही। तो वो जब मैं जाऊँगी ना तो वो आ जाएंगे, तो फिर वो बच्चों को देखेंगे। और रिद्धि मेरे साथ जाएगी आज, तो दीदी हैं, राधा दीदी हैं, उनको मैंने बुला लिया तैयार होने के लिए, तो वो मुझे तैयार करेंगी। तो चलिए फटाफट से पहले मैं शावर ले लेती हूँ, मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो गाइस, आज की कब की शुरुआत मैं कर रही हूँ रितिका, और अभी हमको कोई से इवेंट में जाना है, कौन बनेगा सिंदूर ऐसी कुछ इवेंट का नाम है। मम्मा अभी रेडी हो रही है, हम अभी जाएंगे इवेंट में। 3 बजे जाना है, अभी बज रहे हैं कुछ 1:30। मम्मा रेडी हो रही है, उनको बच जाएंगे 2-3। सो अपन लोग तो सिर्फ और सिर्फ जब अपन इवेंट में पहुँच जाएंगे तभी दिखाऊंगी मैं मम्मा को, ऐसे नहीं दिखाऊंगी भाई, इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना। सही है, ओके। मैं ट्राईपॉड पर पकड़ी क्योंकि मैं एक हाथ से मतलब अच्छे पकड़ पाती हूँ उसे, तो अंदर ये सुधवानी में जाऊँगी नहीं करना, वो समझ जाएंगी कि अब हम मम्मा और मैं कहीं जा रहे हैं, फिर वो हमको जाने नहीं देंगे क्योंकि हम इनको ऐसे ले नहीं जा सकते, बिकॉज क्या बताओ अभी एक्चुअली में है ना, इनको हम इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि है ना यार, फिर इनकी अलग से बैग तैयार करो, दूध की बोतल, ये वो बहुत सब कुछ, इसलिए हम इनको अभी ले नहीं जा रहे हैं। पर ना हम कहीं मॉल वॉल जाते तो ले जाते हैं, यानी कि हम कभी नहीं ले जाते, इनको ले जाते कभी कभी। ओके, सो अभी देखते हैं। ओके, अभी सीधा अपन आपको इवेंट में जाके मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर और नमस्कार।
तो कैसे हैं आप सभी। तो अभी इवनिंग का टाइम है और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आज जाऊंगी, एक इवेंट था वहाँ पे गई थी मैं आज, बहुत इंजॉय किया, मस्त वाला मज़ा आया। सिंदूर खेलों के नाम से इवेंट था, माँ की आराधना करनी थी और बहुत सारा सिंदूर वगैरह सभी लोग ले गए थे, थाली पूरी सजा के ले गए थे। तो वहाँ पर हमने माँ की आराधना करी, माँ की आरती करी, कपूर ले गए थे उससे माँ की आरती करी और सिंदूर चढ़ाया, उनको उनका श्रृंगार चढ़ाया। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं क्योंकि नवरात्रि में मैया के दर्शन करने नहीं जा पाई थी क्योंकि मुझे इतना कोल्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था, इस वजह से मैं कहीं पर भी नहीं गई थी दर्शन करने के लिए। मगर आज मेरी मन की शांति मिल गई, मैं दर्शन कर आई हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इवेंट में भी मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। दोनों को नहीं ले गई थी, घर पर ही थे वो, और रिद्धि को ले गई थी तो रिद्धि ने भी बहुत इन्जॉय किया। और वहाँ से आने के बाद इतने टाइड हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं तो नहा ली क्योंकि पूरे सिंदूर सिंदूर हो रहा था। पूरी साड़ी तो है जो है पूरी थी ना, वो सिंदूर से पूरी लाल हो चुकी है, तो पता नहीं है उसका कलर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, देखते हैं क्या होता है। तो बहुत मज़ा आया और आप लोगों ने भी इन्जॉय किया। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना मे, और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर अपनी राय साझा करना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा और जो मेरा बैंग लुक था वो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मैंने साड़ी तो सिंपल पहनी थी, बाकी जो मेकअप वगैरह था बंगाली लुक में ही था। तो आप लोगों को कैसा लगा? तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे जो घंटी आएगी ना उसे बजा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। तब तक के लिए बाय बाय।